दोस्तों आपने अलग अलग कंपनीज के लोगोस तो बहुत देखे होंगे, एप्पल, गूगल, मर्सिडीज, BMW, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगोस का मीनिंग क्या होता है, किस मकसद से उस लोगो को बनाया गया था? हो सकता है आपको पता भी हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इंडियन लोगोस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, यानी भारतीय ऐसे कुछ लोगोस के बारे में जिसके बारे में हो सकता है कि आपने कभी पहले नहीं सुना हो। वन, टाटा। जो टाटा का जो ब्लू कलर है वो दर्शाता है एक्सेलेंस, रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ टाटा के प्रोडक्ट्स का, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक नॉलेज का एक फाउंटेन, या फिर एक फुहारा, और या फिर एक विश्वास का वो एक पेड़ जिसके अंदर आप पनाह ले सकते हो, जो कुछ इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। नंबर टू, जियो। रिलायंस जियो का जो लोगो है जितना दिखने में सिंपल लगता है, एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं। अगर आप अच्छी तरह से देखें तो कंपनी का जो सफ़र है उसमें आपको वो दिखाई देगा। अगर आप उस लोगो को एक मिरर इमेज में कन्वर्ट करें तो उसमें आपको ऑयल लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी का इस लोगो के पीछे मकसद ये था कि जो कंपनी ऑयल और पेट्रोलियम से स्टार्ट किया था, आज वो टेलीकॉम में भी एक बादशाह बन गया है। नंबर थ्री, महिंद्रा। दोस्तों अगर आप महिंद्रा का लोगो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको एक एम फॉर्मेशन दिखाई देगा, जो कि बहुत लोगों को लगता है कि वो महिंद्रा का पहला लेटर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तीन इक्वल डिविजन्स जो आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहा है, और कंपनी के हिसाब से जो तीन इक्वल डिविजन्स है वो है आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज और न्यू पॉसिबिलिटीज। नंबर फोर, डाबर। डाबर का लोगो पहले एक सिंपल सा बनियान ट्री हुआ करता था, लेकिन जब डाबर ने 100 ईयर्स पूरा किया तो उन्होंने अपना लोगो चेंज करते हुए कुछ इस तरह का लोगो बनाया। अगर आप इस लोगो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तीन लोग जो खुशी से अपना अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं, या फिर तीन ऐसे शाखाएँ, या फिर पेड़ के वो तीन ब्रांचेस जो आपको शेल्टर, फूड और प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ फाइव, SBI। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस लोगो को नहीं पहचानता होगा। अगर आप इस लोगो को सामने से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक की होल, यानी एक ताला का एक की होल जिसमें आप चाबी लगाते हैं। तो कंपनी ये दर्शाना चाहता है कि उनका बैंक सेफ है, सिक्योर है और सुरक्षित भी है। इसका दो मकसद है। अगर आप इस लोगो को सामने से देखेंगे तो इसमें आपको दो अलग अलग सर्कल दिखाई देगा, एक छोटा सर्कल जो एक व्हाइट स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करता है बड़ा सर्कल को। इसका मतलब कंपनी ये दर्शाना चाहता है कि उनका जो बैंक है वो सिटी से लेके आपका गांव तक हर जगह कनेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।